दर्शकवृन्द नमस्कार, विशेष कार्यक्रम में अपने सबके हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन करै छी। आब हम सब दू चरण में संपन्न भेल आम निर्वाचन प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा सदस्य के लेल अगहन 10 गते आ अगहन 21 गते निर्वाचन संपन्न भेलै। तकर बाद मत परिणाम एलै आ हमरा अहाँ सबके आब प्रत्यक्ष दिस के प्रतिनिधि सभा सदस्य आ प्रदेश सभा सदस्य हमरा सबके मिल गेल अछि। विभिन्न व्यक्तित्व जे निर्वाचित भेल छथि आ ओ विशिष्ट व्यक्तित्व जे पराजय बेहोर के समेत चर्चा में छथि, हुनका सब संगे हम सब कार्यक्रम विशेष में बातचीत करै छी। आगामी देश के आप की योजना भ सकैए, सत्ता समीकरण के, राजनीति के यावत विषय में बातचीत करै छी। दर्शकवृन्द, तराई मधेश के बात कयल जाय तऽ मधेशवादी गठबंधन के भारी जनमत जनता प्रदान केने छै आ अइ एकटा जनमत में अइ एकटा लहर में विभिन्न व्यक्तित्व लोकनि समेत हमरा अहाँ सबके प्रतिनिधि के रूप में आ प्रदेश सभा सदस्य के रूप में भेटल अछि। ताहि में एक गोटे छथि जनकपुर के ओ समाजसेवी जे क्लीन जनकपुर ग्रीन जनकपुर के एकटा अभियान के रूप में अगाड़ी बढ़लखिन, अभियंता के रूप में अगाड़ी बढ़लखिन आ पत्रकारिता में सेहो हुनक ओतबे योगदान अछि। नेपाल पत्रकार महासंघ धनसा शाखा के पूर्व अध्यक्ष सेहो छथिन आ एखन के जे प्रदेश सभा के निर्वाचन भेलैए ओहिमे प्रदेश सभा सदस्य में धनसा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 सँ निर्वाचित भेल छथि। तब एहन व्यक्तित्व सबके प्रदेश सभा में पहुँच वा कहीं सहभागिता भेल छै तऽ हिनकर सबके योजना की छै? जहिना ओ ग्रीन जनकपुर क्लीन जनकपुर के अभियान जनकपुर में चलौलखिन, प्रदेश सभा में हिनकर योजना की रहतै? यावत विषय में बुझबाक लेल आजुक कार्यक्रम में हम सब आमंत्रित करै छियनि प्रदेश सभा सदस्य में निर्वाचित एकटा जनकपुर के स्वच्छ करय के अभियानी आ पत्रकार सेहो रामशीष यादव जी आजुक हमरा सबक अतिथि छथि। सर, स्वागत इस कार्यक्रम जी। बहुत बहुत धन्यवाद और संपूर्ण दर्शक वृंद के हम प्रणाम करै छी। शुरुआत करै छी सर, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई निर्वाचित भेलिए। बहुत बहुत धन्यवाद और संपूर्ण मधेशी जनता के हम नमन करै छी। अपने के जीत सर एकटा नया ई कही अपने के सहभागिता परिवर्तन के इच्छा छै जनता के से पुष्टि करै छै, अपने के जीत के अपने कोन रूप में लै छियै? ई हमर जीत वास्तव में रामशीष यादव के जीत नहीं है, ई जीत मधेशी जनता के जीत है, ई मधेशी युवा के जीत है और विशुद्ध रूप से कही तो समग्र रूप में ई संपूर्ण मधेश के जीत है। ताहि रूप में हम लै छियै, हम अपने आप के कखन तो हम निर्वाचित भेली से के हमरा महसूस नहीं होइए। हम जो अपने से पूछी जे एकटा अइ जीत में मुख्य फैक्टर अपने के समाज सेवा की पत्रकारिता, अब एना देखा पड़ते यहाँ के जे पत्रकारिता तो रहबे करे लेकिन समाज सेवा से हो। ई हरेक जे विगत लंबा समय से हम जे पत्रकारिता करे छी और पत्रिका के मार्फत से जे समाज सेवा करे छी, ई दुनू फैक्टर अहाँ के जे से ओतबे काम कयने छै। सामाजिक क्षेत्र में जे रूप से हमर काज लंबा समय से छै, अपने सब देखने होबै जे 4 वर्ष पहले जे गंगा सागर साफ केलिए ततय से मात्रे बहुत आदमी देखने छी, ततय से एकटा स्वरूप अयलै। लेकिन हम भोइल में आ भोइल सन सन बहुत गाँव में हम गेल छी, जतय गरीब बच्चा के ओकरा केना शिक्षा देल जाय, शिक्षा के की महत्व है, जे करीब लंबे समय से हमर जे छोट छोट काज सब होइत आयल है। और पत्रकारिता जो हम करै छलियै तो समाज सेवा ही बुझ के करै छलियै, जे विशुद्ध रूप से किनको से छुपल नहीं है और हमर जिंदगीये कही जे एकटा सेवा है। तै मिशन के साथ हम आहा के जे से अपन काज करैत आयल छलियै। मधेशवादी के बिहार एले, ओहिमे बहुत आदमी तैर गेले से बात है, ओहि मधेशवादी के जे बिहार रहे ओहिमे अपने जीत गेलिए कि इहो सब काज लगे छै पत्रकारिता वा समाज सेवा? ई काज दोसर क्षेत्र में लागल होते, लेकिन निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 के अगर बात करबे तो निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 में जे प्रचार प्रसार के क्रम में और जे रूप से पार्टी हमरा सिलेक्शन केलके, पार्टी अहाँ के चाहे संघीय समाजवादी फोरम के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र यादव जी चाहथिन जे जनकपुर नगर पालिका के मेयरे में अहाँ लड़ू कहकर वहाँ के बहुत ही आग्रह कलखिन, हम टिकट मांग नहीं गलिए, हम विशुद्ध रूप से तैयार नहीं रहिए मेयर के लिए। लेकिन प्रेशर आयल है, जनकपुर के लोगों कहल कि जे हम मेयर बनू, तब हम कहलिए जे हम मानसिक रूप से तैयार नहीं छी तो हम अहाँ के नहीं लड़लिए। तकर बाद
फिर अध्यक्ष जी कहलखिन जे अपने मेयर में नहीं ठार भेलिए, मेयरों में जे से अपने जीत जेतिए जे अपने प्रदेश में कम से कम लड़ियो जी। तब मेयर में लड़ियो लड़ियो कहीं का जो लोग के प्रेशर अयले तखन हम टेस्ट के लिए अपन की साथी सब सलाह के लिए तो सब साथी जिन्हें यहाँ राजनीतिक में अबियो आ राजनीतिक में अबे तो बहुत किछ भ सकी जनकपुर के विकास मधेश के विकास में एक सहयोग पूछते आप बिना पद में रह कर ये काम सब कर तो पद में अभी तो और काम कर सकी छियो तई बुझ के हमू प्रदेश के टिकट मांगने के लिए वो टिकट अहाँ के पठा देने छे किनको हम रिक्वेस्ट होने के लिए और तेकर बाद हम राजनीतिक में आयल नहीं छी हमरा लायल गेल है स्पष्ट रूप से कही तो मधेशी जनता के दबाव रहे और हमर जे कुछ इष्ट मित्र जे छे नजदीक के उनकर फ्रेशर से सेहो जे अपने अबियो तो बहुत एहन शक्ति जे हमरा चाहे छे राजनीतिक में आई ते दुआरे हम राजनीतिक में आयल छी और ते हिसाब से जे से जब हम अपना प्रदेश में प्रचार प्रसार के क्रम में गेलिए तो लोग कतेक बहुतों लोग पत्रकार के हिसाब से चिन्हे जे रामशीष यादव भी पत्रकार हो ये FM में रह छी इंटरव्यू लेत TV में रह छी इंटरव्यू लेत तो कोई कहे जे नहीं गंगा सागर में सफाई केने छो आरती शुरू केने है कोई कहे जे परशुराम तलाव में सफाई केने छो धुमसा धाम में इनकर विकास के कुछ काम सब आगू बढ़ल है कि बड़ा निक लोग ही कहे लोग सबके परिचय नहीं देवे पड़े बहुत आदमी नाम से चिन्हे तो बहुत चेहरा से नहीं चिन्हे और सबसे बड़का बात जो पत्रकार साथी सब जी रूप से प्रचार प्रसार के क्रम में हमारा प्रेजेंस कलखिन वो एक बहुत बड़का बल पहुँचल और सोशल मीडिया में जो हमारे इवेंट सब अबे क्लीन और ग्रीन के इवेंट सब जो हमारे एक्टिविटी सब इवेंट के कारण से सोशल मीडिया तो गाँव गाँव में वो युवा सब जो है से अब बहुत बड़का अहाँ के फैक्टर भी चुनाव में सहयोग करे के और तेकर बाद जो विदेश में गेल गल्फ कंट्री में गेल गल्फ कंट्री के युवा सब अपना घर में फोन कर जो मधेशवादी दल के उम्मीदवार के ही जीते हो एक दो चार में मसाल छाप के जीते हो तीन में छाता छाप के जीते हो कहीं का जब घर में जाइए तो पूछिए जे अपने के लड़का से विदेश में हाँ विदेश में गेल छथिन जे कहल के जे मसाले छाप में देव के क्योंकि ये सब फैक्टर हम देख लिए अः चुनाव में काज कल के और समग्र रूप में कही तो हमारा एक साझा उम्मीदवार के रूप में ले लेके लोग बिसेर गए जी कौन पार्टी के हैं सबसे बड़का फैक्टर कांग्रेस के भी MLA के भी वाम गठबंधन और सब जे से राजपा संघीय समाजवादी फोरम के गठबंधन अधिकारिक रहे थे बाकी ओहो सब अहाँ के जैसे नहीं जे एहन व्यक्ति के जिताएल जाए तो हिसाब से मत के प्रतिशत भी बहुत बेसी फर्क है और बड़ा सौहार्दपूर्ण में चुनाव भेले कतौ कोनो प्रकार के घटना ने जी उम्मीदवारों हमर सबके मित्र हमर सबके रतिन प्रतिद्वंदी में उनका हम प्रतिद्वंदी नहीं बुझ कर सबसे हाथ उत मिलिए ओहो सब बड़ा रामशीष जी ओहो सब कथिन जे नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार रहथिन वाम गठबंधन के उम्मीदवार ओहो सब कथिन जे नहीं जे अपने के जीत त संभावना बेसी है लोग अपने के बेसी चाहिए ओहो सब कथिन ते हिसाब से समग्र रूप में हम कहलिए जे जीत वास्तव में हमर जीत नहीं छी मधेशी जनता के संपूर्ण मधेशी जनता के जीत अपने कहलिए सर हमरा हम राजनीति में अलिए नहीं लायल गेले हमहू एक पत्रकार छी भविष्य मतलब हम अही से देखबे कहै छै ने जे चुनाव लड़े छै तऽ बड़ खर्चा करऽ पड़ै छै अपने चुनाव जीतमे कते खर्च केलिए आब एग्जैक्ट तऽ अखनी हिसाब किताब नहीं केलिए लेकिन आश्चर्य लागत इहो एकटा इतिहास अछि जे कम खर्च में भी चुनाव जीतल जा सकैए तेकर नमूना अहाँके हम छी मतलब हम सब आशावादी रही हाँ क्षेत्र में साथी सब जे है से फोन कऽ कऽ कहे जे सामान्य खर्च जे होइ छै कार्यकर्ता सबके खुआबो पियाबे के ओहो नहीं पठायल जाए वो हम सब जे है से मैनेज कर लेब लोकल स्तर में लोग के उत्साह देख लिए माने हम सब जई गाँव में तो कतौ नाश्ता करी तो लोकल स्तर में साथी सब नाश्ता के प्रयोजन करे खाना के प्रयोजन करे तो हमर से ये खर्च जे कनी मनी भेले एग्जैक्ट हिसाब तो अखनी नहीं आयले लेकिन जे कनी मनी खर्च भेले वो पर्चा पंपलेट पोस्टर जे गाड़ी रखने रही गाड़ी के फ्यूएल ईंधन इस सब में खर्च भेले और ई शरीर बड़ा कीमती शरीर है और इस शरीर पर बहुत लोग के आस है जे कुछ करते ते दुआरे पाई से वोट खरीद करके चुनाव जीतब उससे बढ़िया राजनीतिक नहीं करब से बढ़िया है ते दुआरे हम सब साथी की स्पष्ट जे है से हमर सब की सोच रहे तब पब्लिक के वह चाहना रहे ते दुआरे एक इतिहास है
और पाइए वाला यदि हम बेर बेर कहिए, हम आगे चुनाव के दौरान में कहिए जे पाई वाला कोई चाहिए जे मधेसी जनता के खरीद ले और मधेसी जनता बिकाऊ है, दुए राज्य में पाई के खेल कर हम चुनाव जीत ले, तो वो अवस्था नहीं होती। यदि पाइए वाला देश के प्रधानमंत्री मंत्री बनते तो भारत में चाय बेचे वाला के बेटा नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री नहीं होते, ओठमन होते तो धीरू भाई अंबानी के बेटा मुकेश अंबानी, ये सबसे बेसी पाई वाला है। ये जनता की हम आगाह भी करें ये चीज सबके, ते दुआरे पाई वाला फैक्टर हमरा नहीं बुझाया जैसे क्षेत्र में बहुत काम लगले हो, हमरा क्षेत्र में तो बिल्कुल ए प्रकार के कोनो प्रभाव नहीं रहा। प्रसंग चेंज कर जी सर, आप एखन के जनमत जे प्रदान भेले कांग्रेस के गढ़ मानव वाला धनुषा जिला, अइमे एखन धरि दूटा मधेशवादी प्रतिनिधि में आ चारिटा प्रदेश सभा में जीतल छै धनुषा सब प्रत्यक्ष में, समानुपातिक वोट सेहो संभावना छै अत्यधिक गेल छै मधेशवादी दल के। ई परिवर्तन चाहै छै जनता कि मधेशवादी के बिहार छै, ई जे जनमत छै ने एकरा कोन रूप में लै छै अपने? देखियौ ई बिहार तऽ नहि देखल जाय, हम देखै छियै जनता परिवर्तन चाहै छै, लेकिन एकटा चिंता के विषय कहाँ छै, जेना दूटा सीट अहाँके लूज कऽ गेलै, दूटा क्षेत्र में अहाँके लूज कऽ गेलै, दूटा स्थान अहाँके अयलै, तऽ ताहिसँ मधेसी जनता के और बुझाबै के जरूरी है जे कांग्रेस ए माले माओवादी 2070 साल के संविधान सभा के चुनाव में मत केला लेलकै। संविधान सभा के चुनाव में मत लेबे के मतलब रहे जे हम अहाँके अधिकार सम्पन्न बनाए मधेसी के, लेकिन मधेस विरोधी संविधान कांग्रेस ए माले माओवादी बनेलकै, दू तिहाई बहुमत से पारित केलकै और तेकर बाद पुनः वोट मांगे अबै छै और मधेसी जनता ओकरा जिता दै छै। ई दुखद बात है, मधेसी जनता के और अहाँके बुझा पड़तै। उदाहरण के लेल जे कोनो किसान के खेत जे रहै छै ओकरा लाल पुर्जा होइ छै, लाल पुर्जा में धनी के नाम रहै छै लिखल, जगह धनी के, तब वो कहै छै जे हमर खेत है ओकरा लाल पुर्जा है। तो देश के सबसे बड़का लाल पुर्जा होइ छै संविधान, देश के मूल कानून, देश के सबसे बड़का संविधान जे 35 भाग है संविधान में, वही में मधेसी के अधिकार नहीं लिखल गया। विशुद्ध रूप से ये संविधान देखबे तो मधेसी के एक जैसे राजनीतिक बंदी के रूप में बने नहीं, यह संविधान यथास्थिति में रहते तो मधेसी जनता ने कोनो देश के राष्ट्रपति बन सकैए, ने प्रधानमंत्री बन सकैए, ने यहाँ के कोनो संवैधानिक अंग में जा सकैए, और जो लोक सेवा सब के जो संयंत्र छे या और भी संवैधानिक निकाय के जो संयंत्र सब संरचना सब छे, वो सब संरचना और जो अखन के सिस्टम से पूर्ण रूपेण मधेसी जनता के कल्याण नहीं कर सकैए, वो एक वर्ग विशेष के मात्र कर सकैए, केपी ओली के परिवार के, शेरबहादुर देवा के परिवार के और प्रचंड के परिवार के, पारिवारिक सदस्य जगह वो सब बुझे एक खास विशेष वर्ग के। इस संविधान अही के लिए बनल छे, दुनिया के कोनो संविधान में जे वर्ग सत्ता में है जे वर्ग शासन में है तेकरा विशेष आरक्षण 31.2% आरक्षण खस आर वर्ग के मात्र नेपाल के संविधान 2072 में देल है और कतौ नहीं छे। भारत में देखिए 1952 में संविधान बनले, संवैधानिक समिति के अध्यक्ष बनल की हलखोड़ के भीमराव अम्बेडकर के, दलित के एहि दुआरे बनल की जे दलित ही बुझे जे हमर संविधान बन रहल है, लेकिन नेपाल में देखल जाए भीमा अर्जुन नीलाम्बर आचार्य के बनल की, तेके बाद में बनल की अहाँके फिर लास्ट में बाबूराम भट्टराय के, माने कोनो पहाड़ के जनजाति के बनैती से नहीं भेलै अहाँके। ताहि दुआरे विशुद्ध रूप से कही जे ई संविधान पूर्ण रूपेण एक पक्षीय है और यह संविधान अहाँके परिमार्जन संशोधन यदि नहीं होइए तो गणतंत्र अहाँके संस्थागत नहीं होते। जै देश में नीति और सिद्धांत विहीन राजनीति जो होते अहाँके ताहि देश में गणतंत्र कदापि संस्थागत नहीं भ सकैए, नेपाल में अखन इहे भ रहल है। ताहि दुआरे जी एकटा स्वच्छता के सफाई के अभियानी पत्रकारिता के व्यक्ति आ प्रदेश सभा में ओहि विभेद के लिए लड़ते कि विकास करते कतेक टाइम भेटते अपने के? देखियौ सबसे बड़का बात की छे जे पहले अधिकार तब विकास, अधिकारे में विकास से छुपल, लेकिन एहिठमन अहाँ के जनता के भ्रम सृजना करे के कोशिश करते। कांग्रेस तो नहीं करते, कांग्रेस कम करते, वाम गठबंधन बेसी करते, भ्रम सृजना करे के कोशिश करते जे मधेशवादी के उत्साहजनक अहाँ वोट दिलिए कहाँ भेल मधेश के विकास, लेकिन मधेश के विकास के लिए केंद्रीय सरकार कतेक दायित्व बनते, बजट के फंडिंग जे छै बजट के फंडिंग केहन हिसाब से करते, अहाँ के केना मधेसी जनता के जे है से बुद्धू बनेने पूरा संविधान में जे पहाड़ के एकटा वोट और मधेश के 20 वोट, जते अंतर से हम हारल छी, माने जते अंतर से मधेश में हारल है नेता सब आ हम जीतल छी, तते अंतर में ओहिठाम प्रदेश सभा के सदस्य बनल है पहाड़ में, लेकिन बजट के विनियोजन करते जतेक मत के वैल्यू हमर होते, हम कतबो मत से कला नहीं जीती, लेकिन जतबे मत के वैल्यू हमर होते उतबे मत के वैल्यू मनांग के प्रदेश सभा के सदस्य होते जे मात्र
2500 भोटमे बनल रही 5000-6000 जनसंख्या अइ ओहिठमन एकटा एम पी दूटा विधायक अइ ओकरो ओतबे रकम मिलतै आओर धनसो जिला निर्वाचन क्षेत्र के विधायक के ओतबे रकम मिलतै केना विकास होतै तऽ ई सब चीज के देखैत ई संघर्ष जे मधेश आंदोलन के माइंडेड रहे जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र के निर्धारण करू ओ नहि भ सकलै मधेश प्रदेश की स्थापना रहे कम से कम दुईटा दे ओहो नहीं भ सकलै नागरिकता में रहल विभेद रहे ई हटाओ इहो नहीं भ सकलै तेकर बाद अहाँ के जैसे देखबी तो राज्य के संपूर्ण अंग में समावेशी सहभागिता करू इहो नहीं भ सकलै हरेक स्टेप में लेकिन मधेशवादी दल कम्प्रोमाइज करत जाते हैं मधेशवादी नेता सब कम्प्रोमाइज कर जाए छे जे बेसी द्वंद नहीं फैले लेकिन वो शासक वर्ग जैसे महेंद्र सरकार से भी कूर भ रहल है जे मिलल अधिकार अंतरिम संविधान में मिलल अधिकार रहे से वहाँ के छीन लेल के संविधान में तो कह के मतलब देश द्वंद में फंसे के संभावना हम बेसी देख रहल छी कारण जतर नीति सिद्धांत भिन्न जे राजनीतिक होते तो ता देश द्वंद में फंसते हम जे देख रहल छी वाम गठबंधन जै हिसाब से बनले है देश में कतौ न कतौ देश के धाराशाही बनेते आ यहाँ के भारत से रिलेशन तोड़े के बड़का बहुत बड़ा षड्यंत्र प्रत्येक चुनाव में भारत से सहयोग ले जाए छलै मत पत्र सारा सामग्री भारत से अबै छलै लेकिन सारा सामग्री एक बेर चाइना से लेल गेल और चाइनीज अहाँ के हावी कर रहल है कह के मतलब द्वंद्व फैलाव के नेपाल भारत के बीच के संबंध के द्वंद्व फैलाव के अहाँ के सेहो एकटा षड्यंत्र छै बहुत बड़ा एहि दुआरे जे चाहै छी भारत और नेपाल के बीच के सीमा में तार जाली लागि जाए ओहिसँ कष्ट होती मधेशी जनता के बेटी रोटी के संबंध वो ब्रेक करय चाहै छै सारा चीज के देखबी तो देश आब अहाँ के हमरा जे बुझाइए जे मधेशवादी दल से जीतल प्रदेश सभा के सदस्य हुए या प्रतिनिधि सभा के सदस्य हुए सबके अग्नि यात्रा करे पड़ते इजिली नहीं छे कारण अधिकार के लिए संघर्ष करे पड़ते आइए अही कार्यक्रम में राजपा के महामंत्री प्रदेश सभा सदस्य में निर्वाचित सप्तरी से मनीष सुमन जी कहने छलखिन जे वाम गठबंधन मधेशवादी दल के लिए कोनो हिसाब से सहयात्री नहीं बुझाई छे हमरा सबके ओहने सहकार्य करे पड़ते तो कांग्रेस के सुधार के हम सब करब अपने के बात से हो एतः वाम गठबंधन के विरोध में अल यानी कि प्रदेश सभा में वाम गठबंधन से सहकार्य के कोनो संभावना नहीं छे बिल्कुल नहीं छे वाम गठबंधन जे ध्रुवीकरण वो कर रहल है और जे हिसाब से वाम गठबंधन प्रस्तुत भ रहल है वाम गठबंधन से हमरा नहीं बुझे मधेशवादी दल के तालमेल होते आ तालमेल करे के चाहिए लोकतांत्रिक गठबंधन देश दूटा धार है एक धार दूटा धार तो है लेकिन ये पहलका अवस्था कांग्रेस के रहे हम चुनाव के समय में कहने रही कि कांग्रेस जोड़े तालमेल तो होते लेकिन कांग्रेस जो बुरा हाल में रहते तो मधेशवादी दल ओकरा पछाड़ी पछाड़ी नहीं घूमते और मधेशवादी दल बुरा में रहते तो कांग्रेस के पछाड़ी पछाड़ी घूमे पड़ते लेकिन आप नौबत एहन है जो मधेशवादी दल ओकरा पछाड़ी पछाड़ी नहीं घूमते मित्रता कहियो भी करे के चाहिए तो सम्मान हैसियत से अगर सम्मान हैसियत अहाँ के न है बराबरी में नहीं आ मित्रता करब तो आब नहीं कृष्ण और सुदामा जका मिलत जे एकदम गरीब रहे छी मित्र के भगवाने बुझे छी अखन के कलयुग में मित्रता बराबरी में होइ छै कृष्ण सुदामा जका मित्रता नहीं होते ते दुआरे अखन जे कांग्रेस जे हाइट कम मिले कांग्रेस एकटा साइज में आयल तब मधेशवादी दल से अगर जे सहकार करे पड़ते अपना हो के मनसाई वाम गठबंधन के विरुद्ध में केंद्र में वाम गठबंधन के बहुमत के सरकार बन रहा है अपने सबके घोषणा पत्र में प्राथमिकता पर अपने सब रखने छे संविधान संशोधन करा कर मधेशी जनता के संतुष्टि समाधान करबे केंद्रीय सरकार बिना संविधान संशोधन असंभव छे आ वाम गठबंधन से अपने सब दूरी बना रहा छे संविधान संशोधन हेते केना देखियो संविधान दूरी ओकरा से नजीक कैला से संविधान संशोधन दी से बात नहीं प्रेशर क्रिएट करे पड़ती नेल्सन मंडेला जे गोड़ा के विरुद्ध में जे जंग जे छिड़ल के यहाँ के काला समुदाय के साथ जे अन्याय करे पहले अन्याय ओकरे साथ भेले तो 27 वर्ष जेल जीवन उ बीतल के आ तब जैसे गोड़ा काला के विभेद दक्षिण अफ्रीका में हटेल के तो ये विभेद है एग्जैक्टली तेहने विभेद है अपना सबके वही प्रकार की घृणा करिए तो चाहे जल्दिए वो चीज़ द देत आ ओकरा जो हम तालमेल कर ले संविधान संशोधन कर दे से बात नहीं बात कह देवे पड़ते कांग्रेस एमाले माओवादी में लागल और जीतल रघुवीर महासेठ या मातृका प्रसाद यादव इस सब के मधेशी जनता के साथ जवाब देवे पड़ते जे संविधान में अहाँ सब यदि संशोधन नहीं करेबे तो कांग्रेस एमाले माओवादी पार्टी मधेश में कोई जरूरी ना कारण जनता के बेग के अहाँ रोक नहीं सके जी मधेशी जनता समुद्र है आ समुद्र के घेर कर नदी नहीं बन सके मधेशी जनता समुद्र है
समुद्र के घेर के अहाँ के नदी कदापि नहीं बन सके चाहे नदी बनाब के लिए नदी नहीं बनते वो तूफान है मधेसी जनता जे देखा दिल के बसरते जरूरी छे मधेसी नेता के अपन जो वादा कहने छे वादा से पछाड़ी नहीं हटक के लोभ में नहीं फंसक के मधेसी जनता लोभ में नहीं फंसते मधेसी नेता हमार आदरणीय उपेंद्र यादव जी महंत ठाकुर जी राजेंद्र महतो जी ई सब अगर जे ट्रैक पर जा रहा है अखन तक वो ट्रैक के छोड़ के नहीं आराम से नहीं छोड़ते जनता के जनमत इहो कहे छे जे छोड़बे त खबरदार अखन तक लो सब जे से उतरल है कारण अगर हम सब बात कर महंत ठाकुर के तो महंत ठाकुर आई कांग्रेस नहीं ली थी छोड़ने तो रामवरण डर सब राष्ट्रपति नहीं बनते महंत ठाकुर बनते विभिन्न लोभ सब उनका दिल के या हम सब उपेंद्र जी के बात करी ना उपेंद्र जी परराष्ट्र मंत्री लेल के उस समय में कैला लेल के वो गृह मंत्री कला नहीं लेल के अखन तो उनका कोनो मंत्री वो दस सके लेकिन वो बुझ गेलखिन जे मंत्री बननाई उपेंद्र जी के लेल कोनो बड़का बात नहीं बड़का बात छे मधेश के अधिकार संपन्न बनाबे के मधेसी जनता स्पष्ट रूप से चाहे छे आप अहाँ के हमरा नहीं बुझाए जे मधेसी जनता के बुझाबे पड़ते हम चुनाव में गेलिए तो हम चुनाव में हम कह लिए जी चुनाव रोड और पुल बनाबे वाला चुनाव न है स्थानीय निकाय के चुनाव न है ई चुनाव है अधिकार वाला चुनाव ई चुनाव है पहचान वाला चुनाव ई चुनाव है आत्मसम्मान वाला चुनाव तो अपने सब चाहे छे मधेसी के अधिकार संपन्न बनी जे छीनल अधिकार के फिर फिरता करी तो अपने सब मसाल छाप में मतदान करियो मधेशवादी दल के जीतियो कई कहाँ के वोट मंगली लोग की बात बुझ गेले और अधिकार जब भयती तो विकास हम अपने कर ले बहुत निक बातचीत भ रहल अपने सब अपने संग फिर से जुड़ा दर्शकवृंद ई छथि नेपाल पत्रकार महासंघ धनसर शाखा पूर्व अध्यक्ष ग्रीन जनकपुर क्लीन जनकपुर के अभियंता एवं आम निर्वाचन में प्रदेश सभा सदस्य में धनसा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 सा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित रामशीष यादव जी हिनका संगे राजनीतिक विषय में बातचीत कर रहल छी एखन के लेल कार्यक्रम में छोट व्यावसायिक विश्राम दर्शकवृंद पुनः स्वागत है कार्यक्रम विशेष में आजुक हमरा सबक अतिथि छथि प्रदेश सभा सदस्य धनसा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 सा निर्वाचित संघीय समाजवादी फोरम नेपाल के नेता सेहो हिनका कहल जा सके तेना पूर्व पत्रकार सेहो छथि आ ग्रीन जनकपुर के अभियानी अभियंता सेहो छथि रामशीष यादव जी हिनका संगे बातचीत करब सर आब कनिक पृथक प्रसंग सब जे जनकपुर के जनता के इच्छा छै आकांक्षा छै जे प्रदेश सभा सदस्य सब जनकपुर के लेल की करैए अपने से हम जो पूछी जे एहि प्रदेश के नाम अपने के विचार में की राखल जाए देखिए वही प्रदेश के नाम जो अखन रखने छे एक नंबर दू नंबर तीन नंबर के जे साठा प्रदेश के नाम कहने छे तो सबसे पहले तो एकर नाम अहाँ के मिथिला प्रदेश या मधेश प्रदेश ए दोनों में से जे उपयुक्त होते सब साथी के सबसे पहले तो नाम ही एकर परिवर्तन कर पड़ते दू नंबर घटा के मिथिला प्रदेश या मधेश प्रदेश सब साथी सबके सहमति कोन पर होइ छे ते पर जाय पड़ते नाम पर और दोसर बात की है जे प्रादेशिक कानून बनाब के प्रादेशिक संरचना बनले नहीं जी तो ओकर संरचना सब केना बनेबे कानून बनेबे तो प्रादेशिक कानून केहन बनते प्रदेश में संस्कृति संरक्षण के लेल भाषा संरक्षण करे के लेल साहित्य या कला के संरक्षण करे के लेल की राखल जाए ओहिमे ई सब अखनी रखबाक बाकी है भाषा साहित्य कला संगीत ई सब अगर संरक्षण नहीं हुई छे तो ई संघ्यता के कोई अर्थ नहीं लेकिन नेपाली शासक कहने की छे प्रदेश के तते कमजोर कर देने हैं तीन तरह के सरकार बनेने छे संघीय सरकार प्रादेशिक सरकार स्थानीय सरकार केंद्र के कदने हैं मजबूत संघीय सरकार के और ये तो प्रदेश के कदने हैं कमजोर कहने छे प्रदेश ले अपनो कानून स्वयं बनाने सकने छ कहीं का लिख देने हैं आ वही में लिख देने छे तरह प्रदेश ले बनाएको कानून लाई संघीय सांसद बाट अनुमोदन गराउनु पर्ने छ माने कहो के मतलब जब तक वो अनुमोदन नहीं करते तब तक जे प्रदेश सरकार जे कोनो कानून बनेते या प्रदेशिक सांसद जे कोनो कानून बनेते सदन वो वहाँ के पारित नहीं मतलब घुमा के सब काम हम ही सब कर माने घुमा के वो बहुत कमजोर कर देने हैं उदाहरण के लेल जे भारत के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हम कहबे जे अपने आयल जाओ जनकपुर विवाह पंचमी महोत्सव में चीफ गेस्ट के रूप में तो हमारा वह के पी ओली वह प्रचंड वह शेरबहादुर देवा जो सरकार में होते उनके परिवार सब या वो सब
तो उनका से अनुमति लेबऽ पड़ते। ये बात भारतों में छे, भारत में छे, लेकिन की छे यहाँ के तैयो ओहिठमन कनिक जे केन्द्र प्रशासित क्षेत्र छे तैठमन मात्र ही छे, और जगह से अवस्था नहीं छे। तो तै हिसाब से ही पेंडुलम जगह बना देने छे केन्द्र के माने प्रदेश के, और प्रदेश के जे रकम जे बांट फाट जे करते तो जनसंख्या के आधार पर नहीं करते। जनसंख्या के आधार पर अगर रकम दी तब एक की होते सम्मानजनक न्याय होते, लेकिन से अपने के ऊ नहीं करते। तो बहुत हिसाब से अठमन के आप जना टूरिज्म के रूप में एक केना विकास करबे, आ सबसे बड़का की छे जे मानव स्रोत सबसे बड़का संपत्ति है ई मध्य प्रदेश के लिए। अपन सबके जनसंख्या बहुत बेसी है लेकिन अनस्किल है, तो मानव स्रोत के यहाँ केना प्रयोग करबे, ओकर सबके केना काम में यहाँ प्रयोग लेबे, ओकर सबके काम में प्रयोग लाबे के लेल सबसे बड़का यहाँ के जे उपाय छे टूरिज्म। यदि यहाँ के टूरिज्म बढ़ जाइए तो सब इंगेज भ जेतै। यहाँ देखित होबे जे बाबाधाम जे जाइ छी बैजनाथ धाम, तो एक महीना बैजनाथ धाम के कमाई 11 महीना बैठ के ओहिठमन के स्थानीय वासी सब खाइ छै। तो अपना सबके टूरिज्म हब के रूप में केना बनेबे, टूरिस्ट के हब के रूप में। नेपाल में टूरिस्ट हब के रूप में मात्र 3 जगह है, एकटा मिथिला नगरी जनकपुर धाम, एकटा अहाँ के जे है से बुद्ध के नगर लुम्बिनी, पोखरा पोखरा है नहीं, पोखरा के बनाएल गेल। तेसर छे अहाँ के सगरमाथा टूरिस्ट हब में छे, लेकिन नेपाली शासक कहलकै कि सीधे टूरिस्ट के काठमांडू से पठा दीजिए पोखरा, आ 15-16 राष्ट्र काम कर रही लुम्बिनी में तो वही पठा दी, जनकपुर नहीं पठबै छी। थर्ड कंट्री के टूरिस्ट बेसी जनकपुर में नहीं आबै छी। तो टूरिस्ट के हब के रूप में एकरा केना बनाई, आ अपना सबके की भगल पर निर्भर भ गेल छी हमेशा, हम सब पर निर्भर दोसर पर जे से आश्रित रहै छी, पर आश्रित भ गेल छी, पर निर्भर भ गेल छी। लेकिन हम कहै छी मधेसी जनता के जे नीक काम के शुरुआत स्वयं अपना से करी, चेतनशील समाज जे निर्माण जे भ जेतै तो ओकरा कोई चीट चीट नहीं कर सके, कोई ठीक नहीं सकिए। तो यदि नीक काम के शुरुआत अगर अपना से करे, टूरिज्म विकास के लिए मध्य प्रदेश के सरकार अगर विजन बना के चलते तो जनकपुर के लोग के विदेश नहीं जाए पड़ते। अपने टूरिज्म पर कहियो भी फोकस करी छी सर, अपने के जे जनकपुर में सोशल वर्क रहल वो टूरिज्म से संबंधित, जना गंगा आरती भेलै, गंगा सागर के सर सफाई भेलै, अपने के विभिन्न विविध गतिविधि सब टूरिज्म से संबंधित रहैए। हम अपने से जब पूछी जे रामशीश यादव के ऑप्शन देल गेलै पर्यटन मंत्री की मुख्यमंत्री, तो कौन चूज करबे अपने? देखियो एक तो फोरम नेपाल अखन धरि 24 जीत कर मुख्यमंत्री के दावेदार छै, तै दुआरे हम पूछ लिया अपने फोरम नेपाल के नेता छियै। एहिमे एना छै अपने के, देखियो पार्टी जिम्मेवारी हमरा कौन देतै? अगर हमर बात अगर करब तो टूरिज्म या एजुकेशन या एग्रीकल्चर या हेल्थ, हमरा बुझाइए जे हमरा जे ओहि भाड़ा मिलते वो हम नीक से कर सकै छी, से हमरा अपने आप में विश्वास अछि। कारण किएक तऽ जनकपुर के लेल एकटा नीक पर्यटन मंत्री के आवश्यकता छै, तहू में राजधानी होबय जा रहल छै जनकपुर, तै लेल नीक पर्यटन मंत्री आवश्यक छै। पार्टी जे पार्टी और राजपा और संघीय समाजवादी फोरम के गठबंधन के सरकार बनते, तो दोनों के सहमति से किनका चीफ मिनिस्टर बनाएल जाए, स्वाभाविक रूप से फोरम के सीट अगर बेसी छे तो फोरम के ग्रहता देल जेते, लेकिन कंसाइन राजपा से भी लेल जेते चीफ मिनिस्टर के सवाल में। राजपा के सीट कम है तो राजपा के सीधे बाईपास करके चलबै छै नहीं, चीफ मिनिस्टर में उनको सहमति लेना जरूरी छै। तो हमरा बुझाइए जे चीफ मिनिस्टर के लिए जे सुयोग्य छै, तो बहुत साथी सब आयल छथिन युवा सब, हमरो से निक निक छथिन, लेकिन पार्टी अगर हमरा जिम्मेवारी देती तो हमरा तो लेबो पड़तै। कारण जब ही हम राजनीतिक में प्रवेश के लिए, तो राजनीतिक में प्रवेश के लिए तो लोग चाहते जे और एक्टिव पद में जाए, ये बेसी से बेसी कर सकी, लेकिन हम तो हमर तो की संतोषम परम सुखम जे हमर आदत है, हम अहाँ के लॉबी नहीं करबे। जना हम टिकट के लिए पार्टी लगेलिए तेनाहिते हम मंत्री बना दिए अथवा हमरा चीफ मिनिस्टर बना दिए, ओहि प्रकार के लॉबी हमरा बुते नहीं होती कैल। आ हमर जे है से हम स्वाभिमानी पॉलिटिक्स करय वाला आदमी छी। चूँकि प्रदेश सभा नेपाल के इतिहास में पहिल बेर गठन भेल, अपने कहलिए कहीं संघीयता समाप्त नहीं भ जाए, फेलोअर नहीं कर दे, सेहो आशंका आ डर हमरा अहाँ सब लय जे किसिम के राज्य छै एतय संयंत्र छै, तब ओकरा बचाव के लिए अइ संघीयता के अइ प्रदेश सभा के समृद्ध बनाबे के लेल, मजबूत बनाबे के लेल मुख्यमंत्री सेहो मजबूत आ एकटा वेल मैंडेट भेनाइ एकदम जरूरी है। अपने के विचार में मुख्यमंत्री के
गुण सब केहन होबके चाही, केहन नेता मुख्यमंत्री बनके चाही? सबसे पहले तो संहिता वाला बात में मैं क्लियर कर दी, संहिता की सभा समाप्त नहीं करत, कारण ई संहिता से डर न है। प्रदेश सभा जो फेलवर भ जाय छे तो प्रदेश सभा के अधिकारे बेसी सब नहीं देने हैं, ते द्वारे एकरा सब के प्रादेशिक संरचना से किनको डरे न है। और नेपाली शासक जते कमजोर एकर संरचना बना देने हैं, एकरा तते कम अधिकार देने हैं, जी जैसे अपन स्वयं डिसीजन कुछ कर नहीं सके उनका अनुमति बिना। ते द्वारे ई त वास्तव में कभी त संहिता के जते भी इथिक्स छे ते इथिक्स के विपरीत ही संहिता है। अखन जे 60 प्रदेश कहने छे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के मान्यता अनुसार फेडरल सिस्टम जता जता है ते के आधार पर संहिता देले नहीं है। एहन संहिता देने है जे हम जे कहे छियो केंद्र के शासन में रहे, स्वायत्तता साफ है, हां बिल्कुल नहीं छे। और एहन हिसाब से ओकरा डिवाइड कर देने छे जे बिल्कुल कमजोर रहे छे। आई देख लियो तहां के जे महाजन यादव एमहर रहे छे त वोट रहे छे बेसी, आ लालगढ़ सब में जाय छे त वोट भाई छे कम। बात बुझिली ने त एहि हिसाब से बना देने छे जे चेक एंड बैलेंस एहन कदी जे ई सब अगाड़ी बढ़िए नहीं सके। तो एक चीज तो ये है, लेकिन आवश्यकता की है अहाँ के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देखे हो गए, जापान के प्रधानमंत्री अब बनारस तो गंगा आरती करा दी छे, गंगा आरती द्वारा करबे छे ओकरा जे वो चाहे छे विश्व के जगत के लोग के जे बनारस के गंगा आरती प्रख्यात है, आ जापान के प्रधानमंत्री गंगा आरती कल की है, अपने सब भी कराओ कही के वो टूरिज्म एम्बेसडर के काम करे छे मोदी जी, वो विदेश में घूमे छे, वो विदेश में घूमे छे तो विभिन्न हिसाब से वो देखे तो भी जो बनारस के साड़ी के वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर जैसे प्रचार कर दे छे। लेकिन हम सब जनकपुर के लोग जो मिथिला आर्ट जो है मिथिला आर्ट के जननी छे जनकपुर, लेकिन मिथिला आर्ट गैलरी जनकपुर में न है, जापान में ओकर गैलरी है, स्टीम इंजन जापान में है, स्टीम इंजन नेपाल में है, जापान में नेपाल में एक दिन इंजन शुरू भेले रेल करीब 77 वर्ष पहले, 77-78 वर्ष पहले, लेकिन जापान देखियो मेट्रो ट्रेन में चले ले, मैक्रो में चले ले, कते कहाँ के फास्ट में बढ़ ले। और वो सब म्यूजियम बनेने छे स्टीम इंजन के, लेकिन हमर सब के स्टीम इंजन फेकल है, ओकरा हम सब एक म्यूजियम नहीं बना सकली है। विदेशी सब देखा चाहे छे वो स्टीम इंजन, जे स्टीम इंजन के नाम है राम सीता हनुमान चंद्र सूर्य के इंजन सब के नाम है, अपने देखबे हमरी खोजरी में, वो सब फेकल छे। वो से वास्तव में वो गाय के गोलोचन जगह छे, वो नाग के मणि जगह छे, वो बांस के वंश लोचन जगह छे वो इंजन सब, लेकिन ओकरा हम सब इला सुरक्षित जगह राख नहीं सकली टूरिज्म के देखाब के लिए। आ अखन जे से विभिन्न हिसाब से टूरिज्म के हब बनाब के लिए, टूरिस्ट के हब बनाब के लिए, जो मैथिल कल्चर जे संस्कृति है अपन सबके झिझिया नृत्य हुए सामा चकेवा सब हुए, इस सारा चीज के अपना सबके प्रदर्शनी टाइप के साँस प्रदर्शन करे के चाहिए। हरेक हिसाब से देखबे तब मात्र जनकपुर में पर्यटक रुकते हैं, बिना टूरिज्म के विकास बिना मध्य प्रदेश के विकास भइए नहीं सके। भारत सन समृद्ध देश टूरिज्म के लिए अहाँ के लागल है, विकास के लिए विश्वव्यापी रूप में टूरिज्म में अहाँ के क्रांति है। हम सब धनुषे धाम के बात करी तो किंग कोबरा देखे के लिए 10 रुपया के टिकट लागल है, आ 4-5 लाख रुपया जमा भाई किंग कोबरा के 10 रुपया के टिकट से। जनकपुरे में देखियो गंगा आरती संचालन है सरकार के बिना सहयोग से, लेकिन वो चले छे, वार्षिक ओकर खर्च अहाँ के 12 लाख रुपया, मासिक लमसम 90 से 1 लाख रुपया खर्च है गंगा आरती संचालन में, सब जम पब्लिक के सहयोग से चल रहा है। ते दुआरे ऐ हिसाब से अगाड़ी को होबला एक विजन वाला चीफ मिनिस्टर चाहिए, जेकर राजनीतिक ज्ञान से हुए, सांस्कृतिक ज्ञान से हुए, सामाजिक ज्ञान से हुए, और सबसे बड़का बात वो ईमानदार हुए। समय बहुत कम है सर, हमारा उत्तर बुझल है लेकिन इस सवाल हमरा राखी पड़ते, अइ प्रदेश के राजधानी कतौ होबे के चाही? हमरा बुझाय निसंदेह जनकपुर धाम होबे के चाही, ई द्वारे होबे के चाही जे जनकपुर धाम राजनीतिक राजधानी हुए तै के लेल अखनको के सरकार कोशिश कर चुकल है। से नहीं कोशिश करते तो प्रहरी के मुख्यालय AIG के नियुक्त जनकपुर में नहीं करते, से सरकार कोशिश नहीं रहते कहने तो सेना के जनरल के नियुक्ति जनकपुर में नहीं रहते कहने, आ से नहीं रहते कहने तो उच्च न्यायालय के स्थापना जनकपुर में नहीं रहते कहने। तो सारा चीज देखे ई राजधानी करीब करीब बन गए, मात्र झगड़ा लगा के काज मात्रे छे जे बीरगंज करी कि राजधानी करी। हमरा बुझाय जे बीरगंज के साथी सब की बुझा पड़ते जनकपुर के महत्व की है। जनकपुर धार्मिक ऐतिहासिक सांस्कृतिक पर्यटकीय नगरी के रूप में इस शहर के चिन्हल जाए,
लेकिन वीरगंज के औद्योगिक नगरी के रूप में देखल जाए, अतीत के एकटा राजधानी सेहो छै। बस त हरेक हिसाब से देखबै जे प्राचीन के ई जनक के राजधानी रहि चुकल है। जानकी मंदिर कतौ नै छै, विश्वव्यापी रूप से प्रसिद्ध। एहिठमन एतेक गुठी के जमीन कतौ नै छै, एहिठमन सन खाली पड़ल सिगरेट फैक्ट्री के भवन कतौ नै छै बनल बनायल। त हरेक चीज छै, ते दुआरे हमरा बुझाय जे आब मात्र एकटा सथी तौर में मात्र एक बात भ रहा है जो राजधानी कत सब गोटे बुझे मिथिला के राजधानी जनकपुर रहे और मध्य प्रदेश के राजधानी भी जनकपुर रहते। प्रदेश के भाषा आ पोशाक की होबे के चाहिए? जे मैथिली भाषा संस्कृति छे अपन सबके ओ रह के चाहिए। कारण जत पहचान समाप्त भाई छे, केकरो कहे छे यहाँ के पहचान छीन के है तो ओकर भाषा छीन लिए, ओकर वेशभूषा छीन लिए, ओकर संस्कृति छीन लिए। तो मिथिला के संस्कृति यहाँ के महान है, एकर वेशभूषा से एक अलग पहचान है। तो हमारा भैया अगर वेशभूषा जो मैथिल संस्कृति के वेशभूषा है वह रह के चाहिए। अंतिम सवाल सर अपने से, बेर बेर जनता ठकायल छे ऐसा अतीत में जे निर्वाचन सब भेल रहे, मधेशवादी दल के शक्ति देने छे, जनमत सेहो देने रहे, मुदा कोन तरह से संविधान सभा विघटन भेले मधेशी जनता के बुझल छे। अइ बेर सेहो एकटा नया आयाम नया जनमत मधेशी दल के देलकै, हुनका सबमे भय छै त्रास छै जे ई हमर सबके जनमत बर्बाद नहि भऽ जाय। मधेशी जनता के ओना तऽ अपने एकटा दल के नेता सेहो छी, मधेशी जनता के मधेशवादी दल कही वा विभिन्न राजनीतिक दल कही हुनका सबके खबरदारी करक लेल की करक चाही? देखियौ सबसे बड़का बात तऽ की छै, नेता शासक बनि जाइ छै, ओ बिसरि जाइ छै जे मतदाता मत देवे वाला दाता माने नेता अहाँ छी भिखारी, दाता अहाँके दैए, तऽ दाता देवे वाला आदमी होइ छै ओ महान होइ छै। तऽ मत देलक तऽ अहाँ शासक नहि बनू, अहाँ सेवक बनू। तऽ ई नेता सब बिसरि जाइ छै। नेता के जे असली परिभाषा होइ छै, नेता के असली परिभाषा की होइ छै, जहाँ देखैत होबै जे इनार सँ जखन डोरी सँ पानी जे निकालै छै तऽ इनार के पक्का जे होइ छै तऽ डोरी के घर्षण सँ पक्का खिया जाइ छै, और कखन तो काल की होइ छै डोरी टूटि जाइ छै, तब फेर मनुष्य डोरी के बन्है छै आ फेर बाल्टीन से इनार से पानी निकालै छै। लेकिन डोरी पानी नहीं पिए छै, पानी के पिए छै? तऽ पशु पिए छै इनार के पानी, मालजल के स्नान करेलक, खेती पाती केलक, कपड़ा धोलक, लेकिन डोरी पानी नहीं पिए छै, बाल्टीन से इनार से निकलल पानी। तो नेता ओने होबे के चाहिए, राजनीति क के अहाँ पाई कमेबे से नहीं, वही डोरी जगह अहाँ के जनता के सेवा करे के है। तो जनता अहाँ के जे है से महान होइ छै, नेता अहाँ के सेवक होइ छै। मोदी जी कहते रहे छै हम प्रधान सेवक छी, तो अइ हिसाब से केपी ओली जगह अहाँ शासक बनि जेबे, शेरबहादुर जगह अहाँ के शासक बनि जेबे, प्रचंड जगह अहाँ के शासक बनि जेबे। आ मधेशियो नेता में जैसे यह कनी कनी लक्षण जे रहते तो मधेशी जनता ओकरा हमरा नहीं बुझाए जैसे लंबा समय देर साथ देते। दुआरे मधेशी जन नेता के भी सच्ची आवे के आवश्यकता है। कनी कनी लक्षण जे किनको में है मधेशी नेता में मधेशवादी दल में शासक प्रवृत्ति के, वो चेंज कर लिए। कारण संघर्ष बहुत कठिन है और दूरी बहुत लंबा है मधेशी के अधिकार संपन्न बनाबे के लिए, शॉर्ट दूरी नहीं है। अहाँ चाहबे जादू के छड़ी देखा जो मधेशी के अधिकार संपन्न भ जेतै मधेश प्रदेश भेला के बाद में आ संघ में सरकार बनला के बाद में? कदापि नहीं होते। हम शुरू में कहलिए प्रदेश के सब, प्रदेश के सब सभासद सदस्य और प्रतिनिधि सभा के सदस्य के अग्नि यात्रा करे पड़ते मधेशी जनता के अधिकार संपन्न करे के लिए। वही पर मधेशी नेता अगर नहीं उतरते तो मधेशी जनता माफ नहीं करते और सदैव सेवक जगह काम करे पड़ते। आ झूठ फूस के आप राजनीति करे वाला, झूठ फूस बाज कर जनता के ठग वाला, चाहे कांग्रेस के नेता हुए, चाहे वाम गठबंधन के हुए, चाहे राजपा और संघीय समाजवादी फोरम नेपाल के नेता हुए, ओकरा आप जनता बर्दाश्त नहीं करते। अई प्रकार के पॉलिटिक्स जे से आप नेता के करे पड़ते। कारण समय अब एहन भ गेल जे लोग बुझे लगले पॉलिटिक्स, अई चुनाव में देख ली है, घर घर में लोग पॉलिटिक्स बुझे लगले, सोशल मीडिया है, संविधान में विभेद भेल है, ते प्रकार के विभेद नहीं भेल है से कांग्रेस और वाम गठबंधन चुनाव में नहीं कह सकले। कारण मोबाइल में संविधान छे, नेपाल के संविधान 2072 उसमें कतौ नहीं लिखल है मधेशी के अधिकार संपन्न बनाबे के। ते हिसाब से झूठ बाजे के कोशिश भी निकल के, आप झूठ फूस बाजे वाला नेता के जनता जनता बीच झगड़ा लगा वाला नेता के आप काम नहीं है, जोड़ियो समाज के तोड़ियो नहीं। अइ हिसाब से राजनीति करे वाला के मात्र जैसे आप गुंजाइश होते। बहुत निक बातचीत भेल अपने से, अमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, निर्वाचित भेलिए बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद पूरन भाई और ये अपन टीवी के संपूर्ण दर्शक वृंद के हम नमन करे छी, प्रणाम करे छी और अपने सबके संगे सचेत भी कराबे चाहे छी
जे मधेश प्रदेश स्थापना मधेशी के सरकार बनले बनले से सब समस्या समाधान भ जेतै ई कदापि नहीं सोचल जेतै। कारण नेपाली शासक बड़ा सोच समझ कर नेपाल के संविधान 2072 बनेने हैं जैमे मधेशी जनता के राजनीतिक बंदी बना देने हैं। तो अपने सबसे आग्रह है जे अधिकार के लिए सदैव सतर्क रहू, जो अधिकार मिल जाए पहले अधिकार तब विकास, अधिकार अहाँ के मिल जाए विकास अहाँ के करऽ नहीं पड़ती, विकास अहाँ स्वयं अहाँ कर लेबे। अधिकार के लिए पहचान के लिए आत्मसम्मान के लिए हम सजग रही और मधेशी जनता के साथ जे संविधान में धोखाधड़ी कहने हैं जे स्पष्ट है लिखल गया संविधान में अपना सबके साथ धोखाधड़ी तेकरा हम सब कहियो जे से बर्दाश्त नहीं करी और मधेशी नेता के साथ में रही। मधेशी जन नेता अगर कतौ डगमगाई छे ओकरा भी ट्रैक में लाबे के लिए अपने सब खबरदारी सेहो करी, चाहे वो नेता रामसिस कलानी हुए और वो नेता उपेंद्र यादव कलानी हुए महंत ठाकुर कलानी हुए। यदि मधेशी जनता के भावना विपरीत ट्रैक से बाहर जेते तो अपने सब खबरदारी करबे गाइडलाइन देबे, लेकिन हमर सब की कोशिश रहत जे मधेशी जनता के अधिकार सम्पन्न के लिए हम सब एकदम खड़ा उतरब, एक डेग हमर सब के डेग नहीं डगमगात, हमर सब के कलम अहाँ के जैसे कखन तो नहीं डगमगात जे जखन जे अन्याय होते मधेश के प्रति। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकवृन्द। संघीय समाजवादी फोरम नेपाल सँ धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 सँ प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित नेपाल पत्रकार महासंघक पूर्व अध्यक्ष सेहो छथि, तहिना क्लीन जनकपुर ग्रीन जनकपुर एकटा अभियान के अभियंता सेहो छथि। आ जनता तिनका अभिमत द कऽ अपन जनमत द कऽ निर्वाचित कयने छथि। रामशिष यादव जी हिनका संगे विविध विषय पर बातचीत भेल। कार्यक्रम के निर्धारित समय समाप्त भेल। संपूर्ण यूनिट के जेबाक आज्ञा दिया। नमस्कार।